अल्लाह रब्बुल इज्जत हमद व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाह सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया शफ़े रोज़े जज़ा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवरे कायनात मस्तरे कायनात बाइसे तख्लीके कायनात जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक व सलावात व बाद नहायत वाजिब अल एहतराम मौजूज़ मोहतरम उलमा इकराम सना खाने शरीफ बयान बानिया ने महफिल नकीबे महफिल नकीबे मिलत इस्लामिया जो किसी भी तारुफ से मोहताज ने जनाबे सैफुर रहमान कादरी साहब और दीगर आने वाले तमाम मेहमान ने गरामे खसूसी तौर पर हाजी सितार साहेब और मेरे उस्ताद मोहतरम बहुत ही शफीक माशाल्लाह हाफिज़ मोहम्मद वहीद अहमद साहेब और मेरे उस्ताद मोहतरम ऐसी शख्सियत जो किसी भी तारुफ से मोहताज नहीं जनाब साहबजादा ज़ीनतुल कुर्रा नजमुल कुर्रा उस्तादुल हुफ़ाज़ साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद वसीम अहमद बरकाती साहेब जितने भी आने वाले हजूर दे गुलाम ने तमाम अहबाब नू अपनी और इंतजामिया की तरफों दिल दी अथा कराइया तो खुश आमदीद कहना हाजरी ने मोहतशम ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं सिर्फ सुबहान अल्लाह दरकार है जरा मोहब्बत ना आखिर तक सारे बोलो सुबहान अल्लाह आया करीमा दा शर्फ हासिल कीता रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैही अजरन इल्लल मवद्दा फिल कुर्बा महबूब फरमा दियो कि मेरी आल नाल प्यार करे आजे अहले बैत नाल मुवद्दत करे आजे जांदा जांदा लफ्ज़ समझा दा क्योंकि अज दी महफिल मुकद्दसा बसिलसिले उर्से मुबारक बयाद इमाम हुसैन आप देखो हमराजपुरा दे अंदर इनकात पजीरे और बा फजाने नजर सूफी बासफा बाबा जी सूफी अब्दुल कय्यूम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह आप देश आस्थाना ते हाजिर होने वाले हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कुल्ला असअलुकुम महबूब फरमा दियो कि मैं कोई अजर नहीं मांगदा सिर्फ मांगदा कि या मेरी आल नल प्यार करे आजे अहले बैत तहार नल प्यार करे आजे कौन आल कौन अहले बैत अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना खैरुल वरा है अरे इसमें हसनैन है फातिमा है इसमें मौला मुश्किल कुशा है मोहब्बत ना बोलो सुबहान अल्लाह अहले बैत तहार का जिक्र सुनने वाले हो आज इमाम हुसैन का बचपन एक जुज छेड़ना है इंशाल्लाह इजाजत अरे आका हुसैन मौला हुसैन तेरी अता का चश्मा दिलों के दामन भगो रहा है आसमां पे उदास बादल आसमां पे उदास बादल तेरी मोहब्बत में रो रहा है सबा जो गुजरे करबला से सैफ भाई सबा जो गुजरे करबला से उसे कहता है अर्श वाला और धीरे गुजर यहाँ से मेरा शब्बीर सो रहा है इतनी मोहब्बत ना बोलो सुबहान अल्लाह मेरा शब्बीर सो रहा है इकरामी एकद हजरात मौला हुसैन आका हुसैन खेड़ दे मस्जिद नबवी दी हदूद अंदर खेल दे मस्जिद नबवी दी अंदर आ गए आके आका हुसैन ने वेख्या कि नाना जान ते सजदे दी हालत विच ने इमाम हुसैन टुरे टुरे ते आके नाना जान दी पुश्त मुबारक ते बैठ गए नबी करीम दी पुश्त मुबारक ते बैठ गए हुन ओ नबी करीम ने जिन्ना वास्ते रब मिराज दी रात बुराक नु भेजे ते नाल जिब्रील नु भेजे उन हां दे कंधियां ते ते उना दे पुश्त मुबारक ते इमाम हुसैन बैठ गए नबी करीम आका अलैहि सलातो व सलाम ने एक तस्बी पढ़ी दो तस्बियां पढ़िया तीन पढ़िया हत्ता के 72 तस्बियां अदा कीतिया ते नबी करीम आका अलैहि सलातो व सलाम ने 72 तस्बियां अदा कीतिया
ते मौला हुसैन नीचे उतरे ते घर आ गए। अज नबी दा नवासा बड़ा खुश है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा मलका फरदोसे बरी। सैयदा करीब गईया ते पुछदिया ने हुसैन पुत्र बड़े खुश नजर आ रहे हो। अर्ज कीती नान अम्मा जान अज खुशी दी बात बड़ी है। मां ने पूछा पुत्र होया की। अर्ज कीती अम्मा जी अज खेलदा खेलदा मस्जिद नबवी विच चला गया ते वेख्या नाना जान नमाज पढ़ते ने सजदे दी हालत इंदर ने ते किबला मैं जाके बैठ गया हजूर दी पुश्त मुबारक ते हजूर ने अज मेरे वास्ते ना 72 तस्बीहां अदा कीतियां ने। अम्मा जी ने सुनिया ते जलाल च आ गईयां। फरमादियां ने पुत्रा तेनू अप्पा जान दी इमामत दा ख्याल ना आया, तेनू नाना जान दी नबूवत दा ख्याल ना आया। अर्ज करदे ने मां जी मैनू नबूवत दा भी ख्याल सी, मां जी मैनू इमामत दा भी ख्याल सी, अज सजदियां दे विच तस्बीहां लंबियां होईयां ने। अम्मा ए भी इक रात दी गल है, इजाजत देवो ते सुनावा रात। नहीं बोले पर इस जोक दे नाल रोक कर लाओ, बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा ने पूछा पुत्र राज केड़ा है, आपने फरमाया अम्मा आज मेरे पास ते नाना जान नहीं करबला विच 72 मस्जिद नबवी दे विच 72 तस्बीहां अदा कीतियां ने। अम्मा मेला आ लैन दियो अज भी मेरे रसूल ते बह के हर मौलवी कुरान पढ़ सकदा है। अम्मा मेला आ लैन दो करबला विच 72 तन कुर्बान कर दे। इन्हां ने ते 72 तस्बीहां अदा कीतियां ने। मां मैं 72 तन कुर्बान कर देवांगा। किबला आखिरी गल करके इजाजत कि मेरे नबी मेरे करीम इमाम हुसैन नु लेके ते जा रहे मदीना तैयबा तो गुजरे ते मक्का शरीफ ते अंदर आए ते नबी करीम आका अलैहि सलातो व सलाम काबे दा तवाफ पे करदे ने। ओ सुनियो सुनियो झूम जाओ, काबे दा काबा काबे दा तवाफ पे करदा जे मेरे करीम तवाफ पे करदे ने। ए ओ काबा जिदा मेरे नबी दे अदब अंदर झुक जांदा है। नबी करीम तवाफ करदिया करदिया फरमाया पुत्र हुसैन पता ही इस धरती नु भाग लान वास्ते इस धरती ते काबा बनान वास्ते मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अजीम कुर्बानी दीती। अर्ज कीती नाना जी ओ केड़ी कुर्बानी है। मेरे करीम ने फरमाया कि पुत्र हुसैन अल्लाह ने फरमाया कि एक तुम्हें सब तो ज्यादा पसंदीदा चीज जड़ी है वो मेरी बारगाह दे विच लै आओ ते कुर्बान करो। कुर्बानी दा महीना गुजरे आए ते पुत्र नु लै के आए ते छुरी चलांदे ने छुरी चलदी नहीं। इमाम हुसैन बड़े परेशान हो गए। अर्ज कीती अच्छा नाना जी छुरी नहीं चलदी फिर क्यों आया। मेरे करीम ने फरमाया पुत्र हुसैन आखिर ते जलाल आया इब्राहिम नु ते छुरी पत्थर ते मारी पत्थर रेदा रेदा हो गया। छुरी नु पुछदे ने चलदी नहीं, छुरी कहने लगी किवें चला मैनू नूरे मुहम्मद ने रोक के रखिया है। किवें चला मैनू नूरे मुहम्मद ने रोक के रखिया है। सैयदा दे घराने ना ताल्लुक रखण वाले हो, आओ जरा आका हुसैन दी शान बयान करा। आका हुसैन ने अर्ज कीती अच्छा नाना जी पुत्र दा की बनया। मेरे करीम ने फरमाया पुत्र हुसैन उन्होंने छुरी चलाई आखिर ते छुरी चल गई। अच्छा नाना जी फरमाया छुरी ते चल गई पुत्र बच गया धुब्बा कुर्बान हो गया धुब्बा कुर्बान हो गया। अर्ज कीती नाना जी फिर की होया। फरमाया ये मेरे खानदान दे कर्ज बाकी है पुत्र बच गया वापस लै गए। इमाम हुसैन ने जड़ा अल्फाज बोले ना कायनात दे हर नवासे दे माथे दा झूमर बन गया। मेरे करीम ने अर्ज कीती नाना जी ओदे इक पुत्र लै के आए पुत्र शाह कुर्बान ना होया वापस लै गई। नाना जी वेला आ लैन दो ओदे इक लै के आए ते वापस लै गई। अल्लाह ने कुर्बानी कबूल कर ली वापस लै गए ए कर्ज मैं उतार देवांगा। मेरे करीम ने फरमाया पुत्र तू किवें उतारेगा। अर्ज कीती नाना जी करबला दी गरम रेती उते अपने जवान पुत्र अली अकबर दे सीने जो पर्ची भी कड़ लवांगा। अपने निके जे अली असगर दे सीने दे विच गलक दे विच तीर भी मरवा लांगा। जवान बैन जनम नु कादी बना लेवांगा निकी जी सकीना रोंदी वेख लवांगा।
नाना जी वेलाया लेने दो जेड़ा जो उन्हां ने एक कुर्बानी दिती है जवान वीर दे बाजू कलम हुंदे वेख लवांगा नाना जी वेलाया लेने दो उन्हां ने एक कुर्बानी दिती है मैं 72 तन कुर्बान कर देवांगा जे तद भी गल ना बनी करबला दी गर्म रेत ते सिर रख देवांगा जे सिर चुक गया हुसैन खवाने ने लगा सिर चुक गया ते हुसैन अखबार नहीं लगा टाइम दी किल्लत इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिले ते हाजिरी पेश करांगा आखिर ते मियां साहब दा एक कलाम साहब भाई इजाजत ते मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने के ताकत होंदे आ ओना जो रिने लाया ते मन बैठे रदाई दुनिया यू तो प्यासे तुर गए ए दिन दुनी दे साई दुआ है अल्लाह ताला मेरा पढ़ना अपने बाप दा सुनना सानो इमाम हुसैन दी दी तो है पैगाम ते अमल करने दी तफीक अता फरमाए आमीन वाखरो दया वाने अल्हम्दुलिल्लाह।